नमस्ते भाइयों, क्या हालचाल। आज बात करते हैं अपन सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी क्या मिलती है जुडिशियल ऑफिसरों को, मिलती है भी कि नहीं मिलती, तो सारे आपके जो भी डाउट है क्लियर कर दूंगा। बहुत लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि वीडियो बनाओ, तो मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। और लोग कमेंट करके बोलते हैं कि बैठ के वीडियो बनाया करो। जैसे मैं कंफर्टेबल हूँ उस हिसाब से मैं वीडियो बना देता हूँ, और मैं थोड़ा लाऊंगा माइक वाइक भी लाऊंगा जल्दी, और अपडेट करूंगा अपने आप को जो भी होते हैं। ज़्यादा नॉलेज है नहीं, पूछूंगा किसी से पहले, एक तो नॉलेज ही नहीं है इसलिए नहीं ला पा रहा मैं माइक वाइक। उसके बाद पहले पूछेंगे, पता करेंगे कैसा माइक चाहिए होता है, क्या सही रहता है, उसके बाद लाएंगे। चलो अब वो तो बात की बात है, छोड़ो उसको, अपन बात करते हैं सिक्योरिटी में। ऐसा ऑफिशियली कुछ भी नहीं है सिक्योरिटी के बारे में, राजस्थान का बता रहा हूँ मैं आपको। हरियाणा में मिलती है, हरियाणा में गनमैन मिलता है सिक्योरिटी के तौर पर एक, और अच्छी सिक्योरिटी मिलती है हरियाणा में। हरियाणा में जुडिशियल ऑफिसरों का डेमो है, मतलब एक डेमो वर्ड बिल्कुल सूट करता है। हरियाणा की जो जुडिशियल सर्विस है उसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी की फैसिलिटी भी है, अदर फैसिलिटी भी अच्छी है। राजस्थान में भी अच्छी है सारी फैसिलिटी, पर एक सिक्योरिटी की कमी है जो राजस्थान में नहीं है, ऑफिशियली किसी को नहीं मिलती यहाँ पे। पर DJ साहब को मिलता है, गनमैन हाईकोर्ट में ही मिलती है सिक्योरिटी। कोई करप्शन कोर्ट में लगा हो तो उनमें मिल जाती है, कोई स्पेशल कोर्ट है इसमें थ्रेड ज़्यादा है उसमें मिल जाती है, पर ऑफिशियली ऐसा कोई नहीं है कि किसी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई हो। आपने एक मैटर सुना भी होगा जो जज साहब के साथ हुआ था झारखंड में, उत्तम आनंद नाम था उनका, उनको ऑटो रिक्शा वाले ने जानबूझ के टक्कर मार के मार दिया था। उस वीडियो में साफ दिख रहा है कि उनको जानबूझ के टक्कर मारी गई थी। आप सोच रहे होगे राजस्थान गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दे रखी सिक्योरिटी, ऐसा नहीं है। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश भी पास कर रखा है और गवर्नमेंट तक जा भी चुका है, गवर्नमेंट को देने में कोई दिक्कत भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बोला हम तैयार है देने को, बट सुप्रीम कोर्ट में मैटर पेंडिंग पड़ा है इसलिए सिक्योरिटी अभी तक मिली नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने, उन्होंने प्रसंज्ञान भी लिया इस पर, और सिक्योरिटी की जो भी है सारी स्टेटों से मांगा जवाब, और उस पर चल भी रहा है। जुडिशियल पे कमीशन में सिक्योरिटी का पूरा आएगा, बकायदा डिटेल में आएगा कैसे कैसे होना चाहिए। जुडिशियल पे कमीशन आने वाला है, और जज साहब ने खुद ने बोला है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद ने बोला है ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने कि जल्दी आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है। जुडिशियल ऑफिसरों को बोला है उन्होंने, मैं कटिंग लगा भी दूंगा आप देख लेना। और बहुत चीज़ें उसमें जुडिशियल पे कमीशन है, बहुत चीज़ों का अपडेशन है, अपडेट किया जा रहा है काफ़ी। जुडिशियल सर्विस को अच्छी अच्छी फैसिलिटी दी जा रही है, घर का एरिया भी बढ़ा दिया जो घर मिलेगा, सैलरी बढ़ा दी, बहुत सारे अलाउंसेस बढ़ा दिए, काफ़ी चीज़ें हैं उसमें। अलग से बात करूंगा डिटेल में, कभी वीडियो बनाऊंगा टाइम मिलेगा तो। तो ये चीज़ें हैं अभी ऑफिशियली राजस्थान जुडिशियल सर्विस में, कोई सिक्योरिटी का नियम है नहीं। आपको कोई अगर सिक्योरिटी का खतरा है तो आप हाईकोर्ट में एप्लीकेशन लगा के ले सकते हैं, तब मिल जाती है, पर वैसे ऑफिशियली ऐसा कुछ है नहीं। और तो ठीक है भाइयों, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा जिन जिन का डाउट था। अदर स्टेट का मुझे हरियाणा का पता है, हरियाणा में मिलता है। और आपको जो जो देख रहा है ये वीडियो, आपको पता हो तो मुझे कमेंट करके बताना कि और कहाँ स्टेट हैं जो अदर पूरे इंडिया में मिलती हैं सिक्योरिटी। दिल्ली में भी नहीं मिलती जाता क्या, यूपी में भी नहीं मिलती, राजस्थान में भी कोई ऑफिशियल नहीं है, पर हरियाणा में मिलती है। तो जो आप जिन जिन को पता हो मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है भाइयों, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, कमेंट करके जाना। मिलते हैं आपसे आगे नई वीडियो में, और मैं अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी डाल रहा हूँ, उसको फॉलो भी कर सकते हो। जो नॉर्मल आप किसी को कोई डाउट हो तो मुझे आप पूछ सकते हो, मैसेज कर सकते हो वहाँ पे, और जस साहब की भी आईडी मैं डाल दूंगा, उनको ही फॉलो कर सकते हो। और ठीक है भाइयों, मिलते हैं अगले वीडियो में।